हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल राधे कृष्णा। तो मैं अपने चैनल में आप सभी प्यारे भक्तों का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मंगलमय होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर के आई हूँ। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा मेरे साथ में। तो श्री कृष्ण के विग्रह की छाती पर जो चरण चिन्ह है वो किसका है और क्यों है, तो उसी पर हम चर्चा करेंगे आज आप। तो बने रहिएगा मेरे साथ में। भगवान श्री कृष्ण और लड्डू गोपाल बाल स्वरूप यगल स्वरूप में आपने सभी में चरण चिन्ह देखा होगा उनकी छाती पर, तो वो क्यों है उसी पर बात करेंगे आज हम लोग। आज हम आपको इसके पीछे की एक रोचक कथा बताने वाले हैं। एक समय की बात है, धरती पर सरस्वती नदी के तट पर सभी ऋषि मुनियों के विवाद छिड़ गया था। ऋषियों में विवाद बहुत अधिक बढ़ गया था, त्रिदेवों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। जब कोई समाधान ना मिला तो ऋषियों में श्री रघु ऋषि को यह दायित्व सौंपा गया कि वह पता लगाएं कि त्रिदेवों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। त्रिदेवों की परीक्षा लेने के क्रम में रघु ऋषि सर्वश्रेष्ठ सबसे पहले ब्रह्मलोक पहुँचे और बिना कारण ही ब्रह्मा जी पर क्रोधित हो गए कि आपने मेरा अनादर किया है। यह देखकर ब्रह्मा जी को भी क्रोध आ गया और वह बोले, अपने पिता से आदर करवाना चाहते हो, तुम कितने भी बड़े बुद्धिमान क्यों ना हो जाओ, तुम्हें बड़ों का आदर करना नहीं भूलना चाहिए। तत्पश्चात भृगु ऋषि जी बोलते हैं, क्षमा कीजिए भगवान, लेकिन आप क्रोधित हो गए। मैं तो बस यह देख रहा था कि आपको क्रोध आता है या नहीं। इसके बाद फिर कैलाश महादेव की परीक्षा लेने के लिए कैलाश पर्वत पहुँचे। पता चला महादेव ध्यान में लीन है और उन्होंने नंदी से कहा, जाकर महादेव को आने की सूचना दो। नंदी बोले, महर्षि ऐसा नहीं कर सकता, वह क्रोधित हो जाएंगे। इस पर भृगु ऋषि स्वयं वहां पहुंच गए और उनका आवाहन कर बोले, ऋषि मुनियों के लिए तो आपका द्वार हमेशा खुला रहता है। महादेव, भृगु ऋषि की आवाज़ से महादेव का ध्यान भंग हो गया और वो क्रोधित होकर बोले, भृगु ऋषि, क्या तुम्हारी मौत तुम्हें यहाँ तक लेकर आई है? मैं अभी तुम्हें भस्म कर देता हूँ। तभी माता पार्वती वहाँ पहुँचकर उन्हें भगवान शिव से भृगु ऋषि के प्राणों का निवेदन करती हैं। तब भगवान शिव का क्रोध शांत हो जाता है। फिर बाद में भृगु ऋषि बैकुंठ पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने देखा भगवान विष्णु निंद्रा की अवस्था में हैं। उन्हें लगा कि भगवान विष्णु उनको देखकर यह निंद्रा की अवस्था में चले गए हैं। ये देखकर भृगु ऋषि को बहुत क्रोध आता है और वो गुस्से में जाकर उनकर छाती पर अपने पैर से प्रहार करते हैं और भगवान विष्णु ने भृगु ऋषि के पैर पकड़ लिए। वो लज्जित भी हुए और प्रसन्न भी हुए। इसके बाद उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु को देवों में सर्वश्रेष्ठ सतगुणी घोषित कर दिया। इस प्रकार भृगु ऋषि के द्वारा मारी गई लात उनके चरण चिन्ह भगवान विष्णु के स्वरूप विग्रहों की छाती पर मौजूद हैं। ये चरण चिन्ह लड्डू गोपाल और युगल कृष्ण सभी विग्रहों में मौजूद हैं। तो दोस्तों, आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ ही मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसी ही वीडियो आपके लिए मैं लेकर आती रहूँगी। अगर आपका कोई प्रश्न है, उत्तर है, तो वो आप कमेंट के जरिए मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा राधे राधे। जय श्री कृष्णा।